थाना रानीबाग दिल्ली पुलिस के क्षेत्र में आने वाले निवासियों, आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। रानीबाग थाने में रजिस्टर्ड FIR 341/12 की, जिसके अंदर रानीबाग थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर 20-25 लोगों ने एक सील मकान में MCD से उसके अंदर घुसे और गैर कानूनी तरीके से लोअर ग्राउंड फ्लोर और मैगजीन से घुसते हुए ताले तोड़ के मकान के अंदर घुसे और कब्जा करने का प्रयास किया। और जब पड़ोसियों ने 2:30 और 3 बजे के बीच में इसकी वीडियो बना ली, पुलिस की मौजूदगी के अंदर PCR ऑफिसर मौजूद थे, थाना रानीबाग के अधिकारी मौजूद थे, 20-25 क्रिमिनल मौजूद थे, पुलिस ने जानबूझ के 18/11/15 को रोहनी कोर्ट के अंदर कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करी और उसमें से ये FSL रिपोर्ट गायब कर दी, ताकि अपराधी पुलिसकर्मियों को और अपराधियों को बचाया जा सके। और इसी के साथ इन्हीं पुलिसकर्मियों ने DD नंबर 50/19/8/12 भी मेनू प्लेट कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी कैंसिलेशन रिपोर्ट के साथ, SI जितेंद्र ने जो कि भादरगढ़ी रहते हैं, और जिससे कि जज को गुमराह सके, जो कि 340 CRPC में अपराध है और 7 साल तक की इसमें सजा है। और यह पुलिसकर्मी यही नहीं रुके, इन्होंने सारी झूठी और मनगढ़ंत कहानियां बनाई और कई तरह के अपराध और किए ऐसे, जिससे यह बात साफ साफ साबित होती है कि ये जज के साथ जुडिशियल प्रोसीडिंग को भी चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 4 साल से ये इनका रानीबाग थाना का, बल्कि 1960-12 से जब से ये FIR दर्ज हुई है, तब से ये टालम टोल रवैया रहा है और अपराधियों को, अपराधी पुलिस वालों को और अपराधियों को जो कि भादरगढ़ से आए थे, उनको बचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और कोर्ट की भी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है अपराधी पुलिस द्वारा। इसीलिए मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री अमूल्य पटनायक जी से और DCP आउटर श्री SP क्रूविला जी से और रोहनी कोर्ट की न्यायाधीश से भी ये मांग करूंगा कि इन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें 340 CRPC में, और सबूत मिटाने के इरादे से 201, 120B, 34, 217, 218, 166A के अंदर भी इनके खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज करें और इनको हिरासत में लेकर पूछताछ करें और इनके पास सभी CDR और GPS इनकी निकाली जाए। और इन पुलिसकर्मियों ने जहां 7700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इनके ऊपर खर्च कर रही है कि इन्वेस्टिगेशन करें, जांच करें बढ़िया, और इनको बकायदा 9 महीने से 12 महीने की ट्रेनिंग पुलिस ज्वाइन करने से पहले दी जाती है, जिसमें इनको तनख्वाह भी दी जाती है ट्रेनिंग के दौरान, और समय समय पर इनको कोर्स में भेजा जाता है, उसके बावजूद जानते पूछते हुए इन्होंने एक बिल्कुल ही निम्न स्तर की जांच करी है, फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए, जबकि 25 आदमी अंदर घुसे हुए थे, ताले तोड़े थे, वहां से फिंगरप्रिंट नहीं लिए, कोई CDR GPS नहीं बनाया, का बेस नहीं बनाया, विटनेस के बयान नहीं लिए। इस तरह के अपराधियों को सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिनकी से दिल्ली पुलिस की छवि आम व्यक्ति में खराब होती है और केंद्र सरकार को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए मैं चाहूंगा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर माननीय श्री अमूल्य पटनायक जी, इनके खिलाफ जितेंद्र और उसके अन्य साथियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए और इनको हिरासत में पूछताछ करके जेल भेजा जाए और तत्काल इस केस को CBI में ट्रांसफर किया जाए। इसी के साथ में आज की शब्दावली को नजन, जय हिंद जय भारत।